Hello students, myself Ashok Sakya from Sudhuti Global Academy. I am here to teach economics and the chapter name is Introduction of Macroeconomics. So, to understand the concept of macroeconomics, we should know about the sector of economy. So, sector of economics, there are sector of economy are classified on the various basis. On behalf of expenditure, there are four sectors: household sector, firm, government, and external sector. And production, on behalf of production sector basis, the sector of economy are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. अब आप बोलोगे कि सर हमने तो ये primary, secondary और tertiary sector पढ़ा था, ये four sector कैसे आ गए? तो हमें सबसे पहले previous history के बारे में पता करना पड़ेगा कि हमारी economy किस respect में study की जा रही है. पहले हमारी इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी की जाती थी, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिस्ट थे जे बी से दैट द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मींस सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. दैट मींस कि प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करेगा वो इकोनॉमी उसकी डिमांड खुद ब खुद कर लेगी. पर ये जो लॉ है ये मार्केट लॉ इनका कहलाता था, जेबी से मार्केट लॉ. और ये जेबी से मार्केट लॉ जो था वो एप्लीकेबल नहीं हुआ 1929 में. 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, और ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में करते रहे, और इस लॉ के अकॉर्डिंग उनको लगा कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो पूरी होल इकोनॉमी डिमांड कर लेगी. अब ये नियम जब नहीं काम किया, क्यों नहीं काम किया, क्योंकि प्रोडक्शन कर लिया गया था और वॉर के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि हर कंट्री के पास नेशनल इनकम नहीं थी, तो जब नेशनल इनकम नहीं थी तो वो डिमांड नहीं कर पाए, जिससे बल्क ऑफ स्टॉक जो था वो वहां पर स्टोर हो गया, और लोगों ने डिमांड नहीं करी तो प्राइस फॉल हुए और अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस में आई. तब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिस्ट आए केन्स, लॉर्ड केन्स. लॉर्ड केन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया और इसको कन्वर्ट किया डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. जैसे आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा, हज के एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो मूव कर रहा है और उसके पीछे एक कुत्ता है, जो डॉग है वो भी उसको उनको फॉलो कर रहा है. तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कंज्यूमर को. कंज्यूमर मींस डिमांड. और पीछे जो डॉग उन्हें फॉलो कर रहा है वो सप्लाई को सोर्स कर रहा है, यानी कि हज कंपनी जो डॉग के रूप में रिप्रेजेंट की गई है वो कस्टमर को फॉलो कर रही है, और जहां पर वो जा रही है कस्टमर जा रहे हैं उनको उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसका इंप्लीमेंट ये हुआ कि डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई की जाती थी, पर जेबी से क्या कहते थे कि सप्लाई के हिसाब से डिमांड की जाती है. तो इस हिसाब से जब हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है अब वो लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है. लॉर्ड केन्स कहते हैं कि हर इकोनॉमी इस रेस्पेक्ट में फॉलो की जाएगी जहां पर उसके एक्सपेंडिचर उसको जस्टिफाई करेंगे. तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं, और वही डिमांड सप्लाई साइड के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर. तो जो आपका वो प्रीवियस सेक्टर कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो था वो सप्लाई साइड को इंड्यूस करता है, बट हमें अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है वो डिमांड साइड के अकॉर्डिंग पढ़नी है. तो डिमांड साइड के हिसाब से हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट एक्सटर्नल सेक्टर को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर रिफर्स टू दो सेक्टर व्हिच इज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. हाउसहोल्ड सेक्टर इज द सेक्टर व्हिच इज अल्टीमेटली फोकस ऑन ओन सेल्फ कंजप्शन. ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ कंजप्शन फर्म द सेकंड सेक्टर which convert raw material into finished good and with the help of household factor of production. Third sector is government sector. Government sector means the sector which impose law and order in an economy, and this sector having a power to impose taxes.
एंड थर्ड एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज कनेक्ट विद अस विद द ट्रेड्स मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. सो वी शुड ऑलवेज स्टडी द मैक्रो कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड साइड मीन्स दीज सेक्टर्स हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. सो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ वी classify the sector on the basis of production sector and expenditure sector. Let me come to the topic stock and flow. अब जैसे हमें नेशनल इनकम को स्टडी कर रहा है तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि नेशनल इनकम में किस कॉन्सेप्ट को हम कंसिडर करें और किसको एक्सक्लूड करें. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक है और कौन सा इकोनॉमिक वेरिएबल फ्लो है. स्टॉक मीन्स द इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर एट पॉइंट ऑफ टाइम. कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे उसको स्टॉक कहते हैं. और फ्लो मीन्स द इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर इन पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम किसी भी वेरिएबल को एक पीरियड में मेजर करेंगे तो उसे हम फ्लो कहते हैं. अब हमारे सामने ये इशू आएगा कि हम किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करें कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है. जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है वो क्या सेक्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम को हम जब मेजर करते हैं तो एक अकाउंटिंग ईयर में करते हैं. अकाउंटिंग ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च. तो किसी भी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है वो 1 अप्रैल to 31 मार्च. तो ये पीरियड हो गया. अब ये जब पीरियड हो गया तो नेशनल इनकम क्या बन गई, फ्लो कॉन्सेप्ट. वही नेशनल वेल्थ, अगर किसी भी कंट्री की नेशनल वेल्थ की बात करें तो वो किसी अकाउंटिंग ईयर में मेजर नहीं की जाती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर की जाती है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है. तो स्टॉक कॉन्सेप्ट जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको नेशनल इनकम में एक्सक्लूड करेंगे, और जब भी हम फ्लो कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो हम इंक्लूड करेंगे. तो इसीलिए हमें स्टॉक और फ्लो को सबसे पहले कंसिडर करना होता है जब हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं. तो नेशनल इनकम के मेजरमेंट में स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट इसीलिए इनिशियल फेज में स्टडी कराया गया है. तो सबसे पहले अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो स्टॉक का सबसे पहला डिफरेंस बनेगा वो है डेफिनेशन. डेफिनेशन में स्टॉक क्या है, इट रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर इन पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है कि जब भी हम स्टॉक की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में. वही फ्लो कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन बनेगी इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर इन पीरियड ऑफ टाइम. तो जब भी हम किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट. तो अगर दोनों में डिस्टिंग्विश करने वाली डेफिनेशन में पार्ट है तो स्टॉक में डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो में अगर अंडरलाइन करने वाला फैक्टर है वो है आपका पीरियड ऑफ टाइम. तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में अगर हमें किसी को भी क्लासिफाई करना है तो उसके मेजरमेंट टाइम को स्टडी करिए. अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम में है तो वो स्टॉक बन जाएगा, और अगर वो पीरियड ऑफ टाइम में है तो वो फ्लो बन जाएगा. दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट कैसे है. स्टॉक जो है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ सकती, और वही अगर हम बात करें फ्लो तो ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज होता है. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए इन्वेंट्री. इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है, और अगर हम बोले चेंज इन इन्वेंट्री तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट. तो जहां पर चेंजेस आएगा यानी डायनेमिक हो जाएगा वही कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट. और अगर वो कोई चीज स्टैटिक रह जाती है तो वो बन जाती है स्टॉक. थर्ड आपका डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर है उसमें है टाइम डायमेंशन. टाइम डायमेंशन की बात करें तो स्टॉक के अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है. जैसे हम लोग किसी को बोलते थे, मैं स्टेटमेंट ये देते हैं पर मंथ, पर ईयर, पर आवर,
तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक टाइम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट फ्लो में लगाए जा सकते हैं पर स्टॉक में नहीं। तो स्टॉक जो है उनके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होते, तो यू कैन से दैट स्टॉक हैव नो टाइम डायमेंशन। और अगर हम फ्लो की बात करें तो उसमें हम ये बोलेंगे कि फ्लो हैव ए टाइम डायमेंशन। फोर्थ आपका आएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अगर देखें तो स्टॉक का जो एग्जाम्पल बनता है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो सॉरी फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जा रही है। वहीं अगर हम नेशनल वेल्थ बोलते हैं तो नेशनल वेल्थ जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जा रहा है। तो दोनों में क्लासिफाई करने वाला क्या चीज है फैक्टर है, इसको हमने पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया है तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया है। तो अब आपके सामने बोर्ड में स्कोरिंग अगर पार्ट देखा जाए तो आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, और उस इकोनॉमिक वेरिएबल में आपको बोर्ड ये पूछेगा क्लासिफाई स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक और फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अब उसमें से आपको कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टॉक बनाना है, कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल को फ्लो बनाना है, यहाँ पे बच्चों को स्कोरिंग करने में दिक्कत आती है। तो आपको पहली बात है किसी चीज को मेजर करने का पीरियड पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला सेविंग, अब सेविंग में आईएनजी लग गया है तो ये पूरी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोसेस एक पॉइंट में नहीं होती, एक पीरियड में होती है। तो दैट मीन सेविंग अपने आप क्या बन गई, फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसे मैंने बोला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोसेस एक पीरियड में होता है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट। पर वही अगर मैं बोलूं सेविंग इन ए बैंक ऑन 31st मार्च, अब यहां पर एक सेविंग है वही सेम इकोनॉमिक वेरिएबल है, पर यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट उसके सामने लगा दिया गया कि ऑन 31st मार्च। अब ये ऑन 31st मार्च का मतलब है वो पॉइंट में मेजर किया गया है कि सेविंग एक बैंक में 31st मार्च में कितनी रिप्रेजेंट की जा रही है। तो यहां पर यही इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि एक टाइम में फ्लो था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टॉक में। ऐसे ही अगर मैं बोलूं इन्वेंट्री, अगर किसी स्कूल की या किसी फैक्ट्री की इन्वेंट्री की बात करें तो वो इन्वेंट्री क्या है, एक तरह से स्टॉक है। पर ये बोल दिया जाए कि इन्वेंट्री इन ए ईयर, तो यही इन्वेंट्री अब कन्वर्ट हो जाएगी फ्लो कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसमें एक टाइम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो बोर्ड में आपके लिए सबसे बड़ा है कि आप लोग मगअप मत करिए किसी कॉन्सेप्ट को। मगअप करने से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को 1 मार्क्स में स्कोर कर सकते हो, पर जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हॉर्स क्वेश्चन है वहां पर आप फेल कर जाएंगे। तो आपको बेहतर है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक है या फ्लो है तो उसके मेजरिंग पीरियड को स्टडी करिए कि किसको किस पीरियड के अंदर मेजर किया जा रहा है। जैसे मैं गवर्नमेंट बजट की बात करता हूं कि गवर्नमेंट बजट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट और ए फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट का जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31st मार्च के बीच का होता है। तो अगर गवर्नमेंट उसको प्रिपेयर कर रही है तो वो एक पीरियड में प्रिपेयर कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसे ही एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है जहां पर बच्चे आंसर गलत करते हैं, वो है सप्लाई एंड मनी सप्लाई। अगर मैं बोलूं कि सप्लाई क्या है, इज इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट और ए फ्लो कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ अगर उसके सामने मैं मनी लगा देता हूं तो अब आप बताइए स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर हम सप्लाई की ओनली बात करें तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये पीरियड का मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर वही अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूं तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी इकोनॉमी के पास कितना करेंसी उस टाइम में अवेलेबल है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया गया, तो वही मनी सप्लाई बन गई स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वो अकेला अगर सप्लाई रिप्रेजेंट किया जाता तो वो बन जाता फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारे सामने बोर्ड जो है वो
कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देगा, इजी कॉन्सेप्ट नहीं देगा कि आपने सीधा लिख दिया कि हाँ हमारे सामने ये चेंज इन इन्वेंट्री लिखी है और इन्वेंट्री लिखी है। वो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट देगा जहां पर आपको अपने माइंड को ट्विस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग इसके स्टॉक और फ्लो के यूजेस, हम क्यों स्टॉक और फ्लो को स्टडी करें। मैटर ये है कि आप एनसीईआरटी के थ्रू ये कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, पर उसका इम्प्लीकेशन तभी समझ सकते हैं जब आप वेरियस क्वेश्चंस को अपने प्रिपरेशन में लाएं। तो जैसे कि आपसे मैंने पूछा टैक्स, टैक्स क्या है, ठीक है, तो टैक्स में आप आंसर देंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो टैक्स जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में इम्पोज किया जाता है, ये नहीं है कि सरकार आपको पूरे पीरियड में इम्पोज करती रहेगी। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आपको मैंने अभी जैसे बोला कि गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट अगर आप इसको एनसीईआरटी में भी फॉलो करोगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, पर बोर्ड आपसे पूछता है। तो अब आप इसके लिए समस्या में आएंगे कि गवर्नमेंट बजट को मैं स्टॉक बोलूं या फ्लो। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि एक पीरियड में मेजर किया जाता है, तो वो अपने आप क्या बन गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। पर अगर मैं बात करूं कि ये गवर्नमेंट बजट हमारा कैसा निकल कर आया, कि अगर हम से दैट कि गवर्नमेंट बजट इज ए सरप्लस बजट और ए डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट मींस वेयर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट बजट मींस एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। अब जब गवर्नमेंट बजट का कंक्लूजन निकल कर आया कि ये सरप्लस बजट है या डेफिसिट बजट है, तो यहां पर इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो यहां पर आपका यही गवर्नमेंट बजट जो कि सरप्लस और डेफिसिट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर जैसे मैं आप ही एग्जांपल लूं बच्चों कि आपके बारे में बात करूं कि आपकी 12th की स्टडी, तो 12th की स्टडी को मैं क्या बोलूं, स्टॉक बोलूं या फ्लो बोलूं। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो जो आपकी 12th की स्टडीज है इकोनॉमिक्स की वो एक पीरियड में होगी, तो जब ये पीरियड में होगी तो ये आपकी 12th की स्टडी क्या बन गई, फ्लो कॉन्सेप्ट बन गई। पर अगर मैं आपका रिजल्ट बोलूं कि आपका रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट एक पीरियड में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपका रिजल्ट क्या बन गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से मैंने बोला कि गवर्नमेंट बजट क्या हो गया, गवर्नमेंट बजट आपका फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पीरियड में बनाया गया। पर अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट बजट अगर वो सरप्लस बजट लिख दिया गया, तो अब ये क्या हो गया, तो ये सिमिलर है जैसे आपका रिजल्ट। तो गवर्नमेंट बजट का जो रिजल्ट है वो सरप्लस या डेफिसिट में आएगा, तो ये सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट क्या बन गए, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से बोर्ड आपको जैसे सप्लाई और मनी सप्लाई में कंफ्यूज करेगा, वैसे ही आपको गवर्नमेंट बजट भी देगा कि गवर्नमेंट बजट स्टॉक है या फ्लो है। और दूसरा उसी के साथ साथ उसने सरप्लस बजट भी लिख दिया और डेफिसिट बजट भी लिख दिया। अब आपसे ये पूछेगा कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो गवर्नमेंट बजट आपका क्या बन गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। पर अगर उनके बजट की पोजीशंस बता रहा है कि ये सरप्लस बजट है या डेफिसिट बजट है, तो ये आपका बन गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्टॉक और फ्लो को कैसे हमें क्लासिफाई करना है। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 4 या 5 इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिख दिए जाएंगे, जैसे आपका इन्वेंट्री लिख देगा, इसके अलावा आपके वेल्थ लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। तो ये सारे आपको क्लासिफाई करने होंगे कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इनके मेजरमेंट पीरियड को आप कंसिडर करिएगा और उसके बिहार पर उसे क्लासिफाई कर दीजिएगा। तो ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन साइड नहीं देखते, हम कंजप्शन साइड देखते हैं। तो हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने हो गए, 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल। फिर उसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल कौन से हैं, स्टॉक है या फ्लो है। तो स्टॉक और फ्लो में पहला तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, तो आपको स्टॉक और फ्लो को डिस्टिंग्विश करना है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स डेफिनेशन, ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट, टाइम डायमेंशन एंड एग्जाम्पल। एंड आफ्टर दैट बोर्ड रेज अ क्वेश्चन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। तो उसमें आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा इकोनॉमिक वेरिएबल्स में
कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है हमारा सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो दैट मीन्स हमारे ये जो फ्लो है, अब आप फ्लो कॉन्सेप्ट में क्योंकि स्टॉक और फ्लो जान चुके हैं, तो अब आपको पता करना है कि फ्लो कितने तरीके होते हैं। तो जैसे हमारे गार्जियन हमसे बोलते रहते हैं कि पैसा चलता है, तो पैसा चलता है ये कोई उनके एक जनरल स्टेटमेंट हो सकते हैं, पर हमारी जो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है तो उसे सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहे, पर वो उनकी लैंग्वेज में, अब आप अपने इकोनॉमिकल लैंग्वेज में उसको स्टडी करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब बोर्ड ने 2014 में एक क्वेश्चन रेज किया था जिसमें बच्चों ने बहुत बड़े एरर्स किए थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को मनी का मतलब सिर्फ करेंसी से मतलब होता है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ए मनी एंड करेंसी? अब बच्चे को करेंसी और मनी में डिफरेंस नहीं पता। करेंसी और मनी में ये डिफरेंस है कि जो करेंसी है वो फिएट करेंसी को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स द करेंसी रिफर्स टू द मनी विच इज ऑथराइज एंड ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट। पर वही मनी जो होती है वो फिड्यूसरी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आपके जो बाल होते हैं, सर पे बाल है, वो आपकी मनी है। क्यों? क्योंकि वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज होती है। तो आपने देखा है कि काफी जगह आज भी बर्डर सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो बर्डर सिस्टम में कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम चलता है। तो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम यानी बर्डर सिस्टम में हमारा एक फ्लो चला करता था जिसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो, अब रियल फ्लो में हम कहीं से भी फिएट करेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे सारी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम को। तो हम जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में दो सेक्टर को हम पहले कंसीडर करते हैं, वो है हाउस होल्ड एंड फर्म। अब हम इसी के फ्लो को पढ़ते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड, क्योंकि हम जैसे पढ़ रहे हैं कि केन्जियन के अकॉर्डिंग हर एक चीज डिमांड से रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी के डायरेक्शन के लिए। तो हाउस होल्ड वो इफेक्टिव डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इज फर्म, जो कि सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करती है। अब प्रीवियस टाइम में जब बॉर्डर सिस्टम फॉलो किया जाता था तो उस टाइम करेंसी नहीं थी, तो उस टाइम मनी तो एग्जिस्टेंस में थी। तो हाउस होल्ड इज द सेक्टर विच इज ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो हाउस होल्ड प्रोवाइड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। व्हाइल प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म ऑन रेस्पेक्ट ऑफ रेन्यूमरेशन एंड द रेन्यूमरेशन ऑफ फर्म फॉर हाउस होल्ड इज गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फार्म लैंड में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर ये रियल फ्लो हमें देखने को मिलता है। काफी लैंड लेस कल्टिवेटर क्या करते हैं? दूसरों के खेतों में जाकर, जमींदारों के, लैंड होल्डर्स के यहां पर जाकर खेती करते हैं। तो वो अपनी लेबर देते हैं उस फर्म को, और उसके अगेंस्ट में जो भी क्रॉप ग्रो होती है वो फार्मर फर्म उन्हें दे देते हैं। तो ये रियल फ्लो कहलाता है। इसमें कहीं भी मनी का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मूव कर रहा है। वहीं फर्म टू हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रहा है। तो ये आपका रियल फ्लो है। यहां पर मनी का एग्जिस्टेंस है पर करेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी के अगेंस्ट में जब हमारे यहाँ पर करेंसी का एग्जिस्टेंस हो गया यानी मॉनेटरी सिस्टम इंप्लीमेंट होने लगा, तो मॉनेटरी सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारा मनी फ्लो आया। मनी फ्लो हमारी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को था वो इमीडिएट ट्रांजेक्शन्स में कन्वर्ट कर गया। तो जहां पर आपका यही सेक्टर जो हमने अभी शो किया गया था वो
मनी के रेस्पेक्ट में शो करते हैं। तो यहां से हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड में ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होंगी। जैसे कि अभी हमने देखा हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट टेक टाइम्स। जैसे फार्मर है, उसने दूसरे के खेतों में जाकर लेबर प्रोवाइड करी और 6 मंथ के बाद क्रॉप प्रोड्यूस हुई और 6 मंथ के बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज उसे मिली। अब वो 6 मंथ तक अपनी लाइफ को किस तरह से चलाएगा, तो उसकी रिन्यूमरेशन प्रोसेस में बहुत डिले हो गया। अब ऐसी पोजीशंस में हमारी इकोनॉमी में क्या किया, करेंसी का एग्जिस्टेंस हुआ जो इंस्टेंट पेमेंट करने लगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, फर्म ने उसके अगेंस्ट में उसको करेंसी के रूप में पेमेंट कर दी। लैंड को रेंट पे कर दिया, लेबर को वेजेस पे कर दी, कैपिटल को इंटरेस्ट पे कर दिया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे कर दिया। तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन हाउस होल्ड टू फर्म की तरफ गया था, अब वो फर्म टू हाउस होल्ड की तरफ ट्रांसफर हुआ। पर यहां पर गुड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट हुआ और यहां पर फैक्टर इनकम का पेमेंट हुआ, पर यहां पर सेक्टर का इंटरचेंज हो गया। अब इसी तरह से जब हमें फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दी, तो उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड ने उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांजिशन प्लेस होता था, तो वो दो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, एक रियल फ्लो का और मनी फ्लो का। मनी फ्लो, रियल फ्लो में हमारे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है और मनी फ्लो में सिर्फ मनी का, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को प्रेजेंट किया जाता है। अब इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो हमारा फ्लो बनेगा, उसे बोलेंगे हम इनकम फ्लो। इनकम फ्लो जो कि मनी और रियल दोनों फॉर्म में होती है। जैसे हम एक किसी एक लेबर की बात करें तो लेबर को दो तरह की सैलरी मिल सकती है, एक उसकी वेजेस इन कैश के रूप में मिल सकती है और वेजेस इन काइंड के रूप में। जैसे उसे कैश में मिल रहा है तो वो तो आपका मनी फ्लो के अंदर आ गया, और जो उसे काइंड के रूप में मिल रहा है, जैसे यूनिफॉर्म मिल रही है, फूड, फ्री फूड मिल रहा है, रिन्यूमरेशन मिल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे कि उनको रहने के लिए घर मिल रहा है, तो ये आपका रियल फ्लो हो गया। अब ये दोनों ही फ्लो है, बट ये दोनों उसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको जब मर्ज कर देंगे तो वो इनकम फ्लो बन जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज करने के बाद ये फ्लो जो है वो बन जाएगा आपका इनकम फ्लो। इनकम फ्लो में आपके यही सेक्टर फिर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड प्रोवाइड फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। After providing the factor of production, firm pay factor income against factor of production, and these factor income are rent, wages, interest and profit. Then after, firm provide goods and services. Against goods and services, household provide पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, दिस बिकम ए इनकम फ्लो। सो ओके, इनकम फ्लो, एज वी नो दैट कि इनकम फ्लो में हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को मर्ज कर दिया है। तो अगर मैं रियल फ्लो को डिफाइन करने के लिए कहूँ कि डिफाइन रियल फ्लो, तो रियल फ्लो के जो कॉन्सेप्ट है बस उसी को उसको कंसिडर कर दीजिए। If I define real flow means flow of factor of production. जैसे हमने बताया कि real flow में सिर्फ हम barter system में goods and services को लेते हैं, तो जब हमारी definition होगी तो हमारी definition में सिर्फ उन्हीं concepts को लेंगे जो barter system में goods and services हो। किसी भी तरीके से इसके इसमें income में आपका monetary form वाले flow को consider नहीं करना है। तो जैसे कि हम बात करें real flow,
रियल फ्लो रिफर्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विस अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों इनिशियल फेज में सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, क्योंकि अगर हमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं पता तो हम ये सर्कुलर फ्लो को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे उसे क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड है आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपसे पूछ लेगा कि टू सेक्टर मॉडल बनाइए, थ्री सेक्टर मॉडल बनाइए, फोर सेक्टर मॉडल बनाइए। अब आपको यही नहीं पता कि कितने सेक्टर होते हैं, तो आप उस मॉडल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे टू सेक्टर की बात करें तो हमने हाउस होल्ड और फर्म दो सेक्टर को ले लिया उसी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। अब अगर थ्री सेक्टर मॉडल हो गया तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, अगर फोर सेक्टर मॉडल हो गया तो इसमें आपका एक्सटर्नल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। पर एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो अभी नया करिकुलम आया उसमें थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ टू सेक्टर मॉडल पर ही फोकस करना है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि रियल फ्लो दैट मींस फ्लो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अगर आपसे पूछ लिया जाए मनी फ्लो तो मनी फ्लो इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें हमने मॉनेटरी फ्लो को स्टडी कर लिया है। अगर मैं बोलूं इनकम फ्लो तो इनकम फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अभी मैंने जैसे आपसे बोला था कि बोर्ड में 2014 में बच्चों ने एक बहुत बड़ा एरर किया था, बोर्ड ने उनसे पूछा था मनी फ्लो डिस्क्राइब करिए और बच्चों ने इनकम फ्लो डिस्क्राइब कर दिया। अब मनी और इनकम में डिफरेंस है, मनी में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बट इनकम फ्लो में हमारा रियल फ्लो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो बच्चों के इन एरर के कारण उन्हें 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो इसीलिए आपको जब भी हमें सर्कुलर फ्लो बनाने के लिए आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको रियल फ्लो बनाना है या मनी फ्लो बनाना या इनकम फ्लो बनाना। अब इसी में जो है हमारे मॉडल्स बनते हैं सर्कुलर फ्लो। अब हम ये बोले कि इम्पोर्टेंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि उसके इम्पोर्टेंस के बिना उसे मगअप करने का कोई मतलब नहीं है, तो व्हाई वी स्टडी अबाउट द फैक्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लेट वी स्टार्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ओके, फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ साइज ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो को स्टडी इसलिए किया जाता है कि जिससे हमें नेशनल इनकम का साइज पता चल सके। नेशनल इनकम का साइज जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बात करूं कि अमेरिका की पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट क्या है, तो अमेरिका में गरीब उसे बोला जाता है जिसके पास एक फोर व्हीलर ना हो, तो वहां का एक्सपेंडिचर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर जो फोर व्हीलर एग्जिस्टेंस में जिसके पास नहीं है, जो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, वो गरीब कहला रहा है, तो उनका सर्कुलर फ्लो का साइज बड़ा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट है वो 1000 या 500 पर मंथ के रूप में जो अर्न नहीं कर पा रहा वो गरीब है। अल्टीमेटली इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी से पता चल जा रहा है कि उनके सर्कुलर फ्लो का साइज क्या है। अगर किसी के पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पता कर लिया जाए तो हम उस इकोनॉमी के नेशनल इनकम का साइज पता कर लेते हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी में कितने करेंसी का हमें प्रिंट करना है, दैट मीन्स इसे बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी ऑफ RBI, कि कितनी करेंसी इशू करनी है, वो उसकी सर्कुलर फ्लो बता देती है कि हमारे देश की सर्कुलर फ्लो कितनी एग्जिस्टेंस में चल रही है, उसी बेसिस पर हम करेंसी को इशू करेंगे। तो नॉलेज ऑफ साइज ऑफ नेशनल इनकम यहीं से पता करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 3 फेज पर हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। हाउस होल्ड और फर्म में 3 फेज होती हैं और यही आपका आगे का फर्दर कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट कहाँ होगा। जैसे हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड ये ट्रांजेक्शन होती है, इसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर 4 इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे कि रेंट, वेजेस,
इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और यही जो इनकम है वो हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में मूव करती है, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि हम सर्कुलर फ्लो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नेशनल इनकम का साइज मेजर करना है। तो जहां पर फर्म है वहां पे फर्म क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो जहां फर्म प्रोडक्शन करती है, ये हमारा जनरेशन फेज के नाम से जाना जाता है। जनरेशन फेज में हम नेशनल इनकम को जनरेट करते हुए देखते हैं कि नेशनल इनकम कितनी जनरेट हुई है, और उसके लिए हमारा जो मेथड लगता है नेशनल इनकम को, वो वैल्यू एडेड मेथड लगता है। तो हमने नेशनल इनकम का जनरेशन पढ़ा कि जनरेशन फेज में वैल्यू एडेड मेथड से हम देश की नेशनल इनकम का साइज पता कर लेते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 2020 जो करंट ईयर है, उस करंट ईयर में हमारी जीडीपी जो है वो 1000 करोड़ जनरेट हुई है, फैक्ट्रियों ने इतना सामान प्रोड्यूस किया। तो हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम का साइज कितना आ गया, 1000 करोड़। अब ये फर्म के पास तो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, फर्म क्या करेगी, इसको अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यही 1000 करोड़ जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड के पास आएगा। तो इसमें जब ये फ्लो करेगा फर्म टू हाउस होल्ड, तो इस फ्लो, इस फेज को बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां पर हमारी नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहां पर जिस फर्म पे जनरेट हुई थी, अब ये फर्म टू हाउस होल्ड की तरफ जब जा रही है तो वो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, इसको हम अपने इनकम मेथड से मेजर करते हैं। तो इनकम मेथड से हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज के थ्रू पता कर लेंगे कि हमारी नेशनल इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब ये 1000 करोड़, जैसे मैंने अभी आपसे शुरुआत में बोला था कि पैसा चलता है, हमारे पूर्वज बोलते थे, तो फर्म के पास वो 1000 रुपए जो था वो चला और किसके पास पहुंच गया, हाउस होल्ड के पास। तो ये हाउस होल्ड के पास 1000 करोड़ रुपीस मूव करके आ गए। अब ये 1000 करोड़ के हाउस होल्ड के पास रहते हैं, अगर जैसे आप, मैं जनरल प्रैक्टिकल बेसिस पे बोलूं तो लोग अपनी करेंसी पे नाम लिख देते हैं, वो गलत प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे लेजिबल चीजों को बर्बाद करने का हमें अधिकार नहीं है। पर वो क्या कर रहे हैं, वो सर्कुलर फ्लो को स्टडी कर रहे हैं कि ये नाम कितने दिनों के बाद हमारे पास फिर से घूम कर आ रहा है। तो यहां पर ये हाउस होल्ड के पास वो पैसा आ गया। अब हाउस होल्ड क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर खर्च करेगा। तो यहां पर जब वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, दैट मीन्स जब वो खर्च करेगा, तो इसको बोलते डिस्पोजिशन फेस। यहां पर हमारी नेशनल क्या होगी, डिस्पोज होगी, दैट मीन्स पहले जनरेट हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर वो डिस्पोज होगी, यहां पर उसका एंड हो गया। तो ये डिस्पोजिशन फेस में हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं, जिससे उसका साइज पता करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कितने मेथड होते हैं। तो हमारा जो आगे फर्दर पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें 3 मेथड लगते हैं। पहला आपका वैल्यू एडेड मेथड, जिससे हम नेशनल इनकम का साइज मेजर करते हैं जनरेशन फेस में। सेकेंड, हम नेशनल इनकम को मेजर करते इनकम मेथड, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस में पता कर लेते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और तीसरा हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस तरह से हमारी जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट करने के लिए 3 मेथड लगा जाते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसीलिए हमें ये मेथड का पता कैसे चला, क्योंकि हमें नेशनल इनकम का साइज पता करना है, और नेशनल इनकम का साइज तभी पता चलेगा जब हमें सर्कुलर फ्लो का पता हो। तो हमारे देश में कैसे नेशनल इनकम जनरेट हुई, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कैसे उसका डिस्पोजिशन हुआ। तो ये तीनों फेसेस में हमें नेशनल इनकम का साइज पता चल जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया, तो डीमोनेटाइज करने का रीजन कुछ था, और वो रीजन क्या है वो आपको अब समझ आ जाएगा। जैसे हमारे फर्म में 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, अब ये 1000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए,
पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब एक्सपेंडिचर की बात आई तो लोगों ने सिर्फ 800 करोड़ को ही डिस्पोज किया। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि 200 करोड़ कहीं ना कहीं लीक हो गए, और ये लीकेज कहां आना चाहिए? फाइनेंशियल सेक्टर में, दैट मींस बैंक के पास। बैंक के पास अगर ये 2000 करोड़ सेविंग के रूप में आ गए तो ये लीकेज को बैंक क्या कर देगा? इंजेक्ट कर देगा, और वो लोन देकर, फर्मों को लोन देकर वापस इकोनॉमी के अंदर ले आएगा। पर अगर ये लीकेज घर में हो जाए, दैट मीन्स 1000 करोड़ लोग अपने घर पे रख ले, बैंक में ना जमा करें, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि फर्म ने 1000 करोड़ का प्रोडक्शन किया, 1000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, हाउस होल्ड के पास इनकम भी आ गई, पर जब खर्च करने की बारी आई तो उन्होंने 800 करोड़ का ही डिस्पोज किया। इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करना कम करेगा, क्योंकि उसके पास डिमांड सिर्फ 800 करोड़ की आई और उसने प्रोडक्शन 1000 करोड़ का किया। तो इसका मतलब है कि वो अपने जो फैक्टर प्रोडक्शन है यानी लेबर है उनको जॉब से निकाल देगा 200 करोड़ की नीड वाले। तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस में आएगी। तो इसी तरह हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिस्पोजिशन हो रही थी वो कम हो रही थी और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा था। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का एक ही तरीका था, लोगों के बीच में जो लीकेज हो रही है उसको वापस फाइनेंशियल सेक्टर में इंजेक्ट करा दिया जाए। तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, लीकेज जब हमारे सर्कुलर फ्लो में से पैसा विड्रॉ हो जाए, विड्रॉ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो क्या कहलाएगा? लीकेज। लीकेज का मतलब हो गया पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर आ गया, और वो लीकेज किस किस कारणों से हो सकता है? अगर हम विदेशों से यानी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स को, अगर विदेशों से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश का जो मनी है वो दूसरी कंट्री में लीक हो जाएगा, हमारे फ्लो से बाहर चला जाएगा, तो इंपोर्ट इज ए लीकेज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज कर दे तो टैक्स इंपोज करने से भी हमारे फ्लो से पैसा विड्रॉ हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? लीकेज। इसी तरह से अगर हम सेविंग कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? लीकेज। तो दीज आर द इकोनॉमिक वेरिएबल विच ऑकर लीकेज इन ए सर्कुलर फ्लो। तो इंपोर्ट, टैक्स एंड सेविंग इज ए लीकेज, ये हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं मानी जाती है, पर इसी को गवर्नमेंट वापस इंजेक्ट करती है। इंजेक्शन, इंजेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि वही जो लीकेज हो गया है वो पैसा वापस इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट कर दिया जाए। तो वो इंजेक्ट कैसे किया जाए? इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मनी इन ए सर्कुलर फ्लो, यानी फिर से सर्कुलर फ्लो में वही पैसा जो लीक हो गया वो वापस इंजेक्ट कर दिया जाए। तो वापस फ्लो के अंदर कैसे लाया जाएगा? तो जो हमने इंपोर्ट कराया है उसके अगेंस्ट में अगर हम विदेशों में फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो हमारे सर्कुलर फ्लो में पैसा ले आता है। तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज हम एक्सपोर्ट करने के बाद अर्न करते हैं तो वो हमारे सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट करता है। तो एक्सपोर्ट हमारा क्या है? इंजेक्शन। इसके अलावा जो सरकार टैक्स लगा देती है, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, उस टैक्स को वापस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में गवर्नमेंट स्पेंड करके पब्लिक के बीच में फिर से वापस ले आती है। तो वो फर्म वैसे लेकर आएगी जैसे सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट, ये सरकार जब पे करती है जैसे ओल्ड एज पेंशन, इस तरह से पे करके गवर्नमेंट फिर से वही फ्लो जो टैक्स का पैसा जो लीक हो गया था वो वापस इंजेक्ट कर देती है। इसके अलावा जो सेविंग किया गया है वो फिर से एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, जो भी पब्लिक की हाउस होल्ड की सेविंग है उसको बैंक से लेकर वापस इंजेक्ट करा देना। तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से वापस सर्कुलर फ्लो में पैसा इंजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से तीन जो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो सर्कुलर फ्लो में एडिशन करते हैं मनी का, और वो तीन इकोनॉमिक वेरिएबल जो इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो में विड्रॉ कर देते हैं मनी को, उसे लीकेज कहा जाता है। तो इंजेक्शन और लीकेज का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, उसके बीच में क्लासिफाई करने के लिए कहा जाएगा कि विच वन इज द इकोनॉमिक वेरिएबल, इज द लीकेज और इंजेक्शन। तो व्हाइल स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अजम्पशन दैट इज लीकेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंजेक्शन, दैट मीन्स सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो आगे फर्दर है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने का SI थ्योरी बोलते हैं, जिसमें सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमारे सर्कुलर फ्लो के जो फर्दर कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
उसमें ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स काम आएंगे। थैंक यू सर।